हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं फिर एक और कमाल की वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपना कैरियर एक अर्ली स्टेज पर शुरू करना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पहलुओं पर जिसकी मदद से आप चाहें तो अपना कैरियर और अपनी लाइफ की जो अर्निंग फेज है उसे जल्दी जल्दी शुरू कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी ऐड करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जल्दी बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने अर्निंग कैरियर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना होगा कि आपको शुरू में ही कोई एकदम फ्लावर वाली और रेनबो वाली जॉब नहीं मिल जाएगी, या फिर आप शुरू में ही एकदम आराम से काम करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। आपकी इनिशियल फेज में एटलीस्ट फॉर 2 to 3 years आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए, एक अच्छी स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब पाने के लिए। और अगर आप अभी 20 साल के अंदर हो तो ये जो टाइम रहता है ना, ये खासकर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि हमें एक तरफ अपने कॉलेज अपने स्कूल्स को भी मैनेज करना रहता है। अपनी पढ़ाई को देखते हुए अगर आप कुछ साइड हसल या फिर कुछ अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डोंट बी शाय। आप कभी भी शाय मत होइएगा कि आप ये जॉब कर सकते हैं या फिर ये कर ले, या फिर अगर मैं इसको करूँगा तो मुझे बहुत लोग बुरा बोलेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। अगर आप ये सोच के रखोगे तो आप कभी भी शायद अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। तो लाइक सपोज करिए कि आप एक ऑफिशियल वर्क को करना चाहते हो, एक कॉरपोरेट किसी सेक्टर में अपना काम करना चाहते हो, तो फर्स्टली जो सबसे मेन चीज़ होगी कि एक किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कि आप अपना जो कैरियर की स्टार्ट है वो एज अ डिजिटल मार्केटर करना चाहते हो, तो फर्स्टली कुछ जगहों पर जाइए, जैसे कि आप YouTube से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा मनी नहीं, ज़्यादा इनकम नहीं है कि आप कोई कोर्स को बाय कर पाओ, तो खुद YouTube जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी ऐसे कई सारे कोर्सेज और ऐसे कई सारे मेंटर्स हैं जो कि आपको ये चीज़ें सिखाने में बहुत ही जल्दी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके बेसिक सीख जाएँ तो खुद Google भी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और बाकी कई फील्ड से रिलेटेड फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप Google डिजिटल गैराज में जाओगे तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है, ऑलमोस्ट ये 40 आवर्स का पूरा कोर्स है। तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, इसके हर एक पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, और जब आप पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आपका एक एग्जाम होगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको 80% से ज़्यादा सही करना होगा, जिसके बाद आपको गूगल की तरफ से एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा जो आपके CV को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और ऐसे ही आप किसी पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करके अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आप खुद भी सोच के देखो आपको कोई जॉब क्यों देगा। जब आपको कोई चीज़ आएगी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कोई स्किल आएगी, तभी आपको कोई भी जॉब देना पसंद करेगा। तो इसके लिए आप पहले किसी पर्टिकुलर स्किल को मास्टरी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास थोड़े पैसे हो जा रहे हैं तो आप एक कोर्स भी बाय कर सकते हैं, अपने लोकल किसी इंस्टीट्यूट से भी वो कोर्स कर लोगे तो भी आपको अच्छा ही होगा। और आप आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि कोर्सेरा वगैरह पे, तो आप वहाँ पर जा कर चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है सॉफ्ट स्किल्स की। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने या कॉर्पोरेट लाइफ में, अगर आप एक ह्यूमन बींग के नज़रिए से भी सोचो ना, तो आपको सॉफ्ट स्किल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपकी ज़िंदगी का हर एक पहलू डिसाइड करता है। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन योर होल लाइफ। तो इसके लिए आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हैं, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सभी चीज़ों पे आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। और आज के टाइम पे तो ऐसे काफ़ी सारे मेंटर्स भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जो आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे, क्योंकि एक लोग कहते तो हैं कि लुक्स डजेंट मैटर, बट अगर आपका कोई इंटरव्यूअर होगा तो वो भी पहले आपकी पर्सनालिटी को देखेगा, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखेगा, आपकी नॉलेज को देखेगा, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपके बिहेवियर, आपके पूरे बॉडी पॉस्चर को देखेगा, और उसके बाद ही वो अपना डिसीजन सुना पाएगा आपको। तो इसीलिए आपको अगर किसी भी सेक्टर में जाना है तो फर्स्टली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, खास करके अपने सोशल स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मेरी एक पढ़ी हुई बुक है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात आती है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रेडी करोगे। अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो और लिंक्डइन चलाते हो तो पहले अपनी प्रोफाइल को एकदम अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। उसमें अगर कुछ फालतू के कोट्स वगैरह आपने डाले हुए हैं, कुछ फालतू की अजीब पोस्ट डाली हैं, तो उन्हें फ़ौरन रिमूव कर दीजिए। अगर कोई भी कंपनी आपको इंटरव्यू लेती है तो उसके बाद वो एक बार आपके सोशल प्रोफाइल से गो थ्रू करके ज़रूर देखती है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो।
आपका सोशल प्रेजेंस क्या है, आप किस तरीके के थॉट्स रखते हो। तो पहले अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए, उनकी पोस्ट को अच्छे कर दीजिए, कुछ कोट्स अच्छे डाल दीजिए, अपनी बायो को अच्छा कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के टाइम और इंटरव्यू के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके बाद आप अपना एक अच्छा सा CV बिल्डअप करिए, आपका नाम पता, आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और आपकी सोशल स्किल्स क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में, आपकी प्रोज आपके कॉन्स क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की, आपके पास कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन हो तब उसमें वो ऐड कर सकते हो, कहीं पहले से काम किया या फिर अच्छा एक पोर्टफोलियो है तब अपने पोर्टफोलियो को भी उसमें हेल्प कर सकते हो। क्योंकि एक इंटरव्यूअर का पहला जो थॉट होता है वो आपके रेज्यूमे को देख के या आपके CV को देख के वो समझ जाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। तो एक अच्छी CV बिल्डअप करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट गिव अप। अगर आप कहीं अपना रिज्यूमे देते हो, कहीं इंटरव्यू देके आते हो, अगर आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप उस पर गिव अप मत करिए। एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन उसमें ज़रूर होगा। और काफ़ी सारे ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंडीड या फिर लिंक्डइन पर आप बहुत सारे जॉब्स को सर्च कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप जॉब्स को सर्च करिए, अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराइए और इंटरव्यू देना शुरू करिए। जैसे जैसे आप अपने इंटरव्यूज़ को देते जाएंगे आपको और एक्सपीरियंस आता जाएगा कि किस तरीके से और अच्छे इंटरव्यूज़ या फिर और अच्छे तरीके से कैसे अपने आपको प्रेजेंट कर सकें। तो गाइस, अगर आपने कुछ इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो आपका श्योरली अपना फर्स्ट जॉब ज़रूर क्रैक हो जाएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि इस फेस से स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा। और हमने और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। बाय।